नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रेज योर चॉइस में। आज मैं आपको एक फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ। ये है नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन। 7 ml इसका प्राइस है, 7 ml इसका क्वांटिटी है, और इसका प्राइस जो है वो है 143 rupees इसका प्राइस है। एक्चुअली ये स्मॉल क्वांटिटी में भी है अवेलेबल, और मिनी में भी अवेलेबल है, और इसका बड़ा साइज़ भी अवेलेबल है, बट मुझे ट्राई करना था। एक्चुअली मैं इतना फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती, मेरा सीसी क्रीम से काम चल जाता है, बट फिर भी कभी कभी आपको बाहर जाना रहता है या मैरिजेस अटेंड करने पड़ते हैं, तो आपके पास ऑफकोर्स फाउंडेशन होना चाहिए। मेरा फाउंडेशन एक्चुअली रखे रखे ही उसका टाइम निकल जाता है और शेल्फ लाइफ निकल जाती है, और मुझे उसको हटाना पड़ता है, और इसीलिए मैं छोटा ही देखती रहती हूँ, छोटे पैकेजिंग में फाउंडेशन। तो इससे ज़्यादा छोटा पैकेजिंग मुझे दिखा नहीं, तो इसके लिए मैंने इसको बाय किया है। इसमें मेरा शेड है प्योर आइवरी 01। इसमें दो ही शेड अवेलेबल हैं आई थिंक, तो इसमें ये जो छोटे पैकेजिंग में दो ही शेड अवेलेबल हैं, ये मेरा शेड है प्योर आइवरी 01। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसका टेक्सचर कैसा है। मेरी स्किन टाइप ड्राई है, और उसमें मेंशन था कि ये ऑल स्किन टाइप है। लेट्स सी इसका कवरेज कैसा है। ये सील्ड है अभी, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। फुल कवरेज इसमें मेंशन है कि फुल मीडियम टू फुल कवरेज है इसमें, मीडियम टू हाई कवरेज। बहुत स्मूथ है, मतलब ये तो कहना पड़ेगा कि बहुत स्मूथ टेक्सचर है इसका। एक्चुअली मैं हैंड के इस साइड यूज़ कर रही हूँ, मुझे इस साइड यूज़ करना चाहिए था, बट फ्रेग्रेंस भी इसकी वनीला जैसी फ्रेग्रेंस है कुछ कुछ। कवरेज इसका मीडियम है, आई डोंट थिंक कि इसका फुल कवरेज है, इसका मीडियम कवरेज है। एक्चुअली मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ले ली शायद, और इसका कम क्वांटिटी लेना चाहिए। मेल्ट हो गया बहुत इजीली, आपके स्किन में ऐसे मेल्ट हो जाता है, बहुत इजीली मेल्ट हो गया ये आपकी स्किन में। तो मैं कह सकती हूँ कि आप ड्राई स्किन वाले भी आराम से इसको यूज़ कर सकते हो बिना किसी सोचने के। बट हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी कि जब आप ड्राई स्किन या किसी भी स्किन के लोग मेकअप ट्राई कर रहे हो, तो आप पहले अच्छे से मॉइस्चराइज करो अपने स्किन को, फिर लगाइए जो भी आप मेकअप अप्लाई करना चाह रहे हो। मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव भी करना चाहिए, मैंने इसको रिमूव भी कर दिया और ये बहुत ही इजीली रिमूव हो भी गया। लेट्स सी, मैंने रिमूव कर दिया। तो कवरेज इसका मीडियम कवरेज है, और जैसा मुझे चाहिए, मतलब नॉर्मल एक फाउंडेशन, अगर आप इतना फाउंडेशन यूज़ नहीं करते, क्योंकि सीसी क्रीम मुझे लगता है डे टाइम में बहुत इजीली चल जाती है, हमेशा फाउंडेशन नहीं चाहिए रहता है, बट नाइट टाइम में आपको ऑफ कोर्स फाउंडेशन चाहिए रहता है, लाइट में अच्छा लगता है। तो मुझे तो ये क्वांटिटी बहुत पसंद आई है, और मुझे लगता है कि जितने भी फाउंडेशन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप छोटी क्वांटिटी में भी अपने फाउंडेशन निकालने लगाएं, आप स्टोर में रखें, जिससे कि लोग आप ट्रायल कर सकें आपकी चीज़ों का। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो ज़्यादा फाउंडेशन नहीं अप्लाई करते, बट वो अच्छे ब्रांड का छोटे छोटे फाउंडेशन या ट्रैवल फ्रेंडली फाउंडेशन चाहते हैं, तो वो मैं सारे ब्रांड से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपना स्मॉल पैकेजिंग का जो जितने भी फाउंडेशन हैं वो भी निकालें मार्केट में, ताकि लोग बाय करें और टेस्ट कर सकें कि उनको क्या, क्योंकि बड़े अमाउंट वाले जो फाउंडेशन होते हैं, एक तो एक्सपेंसिव रहते हैं और दूसरा वो वेस्ट हो जाते हैं। तो ये था इसका रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।